उसको कुछ मुतफर्रिक अशआर हैं, देखिएगा आगे। और फिर चश्मे खून शहरे तरब में फूटा, और फिर चश्मे खून शहरे तरब में फूटा, हरफे नागुफ्तनी किरतास पे देखा गया था। बहुत शुक्रिया। और फिर चश्मे खून शहरे तरब में फूटा, हरफे नागुफ्तनी किरतास पे देखा गया था। और ये शेर के सर फरोशों ने रिवायत को किया है जिंदा, सर फरोशों ने रिवायत को किया है जिंदा, सर फकत शानए अब्बास पे देखा गया था। सर फरोशों ने रिवायत को किया है जिंदा, सर फरोशों ने रिवायत को किया है जिंदा, सर फकत शानए अब्बास पे देखा गया था। और चश्मे नाजुक से मिजा उल्टी इधर और उधर, चश्मे नाजुक से मिजा उल्टी इधर और उधर, नक्शे शर्मिंदगी अलमास पे देखा गया था। बहुत शुक्रिया। चश्मे नाजुक से मिजा उल्टी इधर और उधर, चश्मे नाजुक से मिजा उल्टी इधर और उधर, नक्शे शर्मिंदगी अलमास पे देखा गया था। और एक गजल से कुछ शेर और के, नज्म बे नज्म तो गजलों की रवानी जानी, नज्म बे नज्म तो गजलों की रवानी जानी, फिर भी मिलता है सरे ख्वाब कहानी जानी, फिर भी मिलता है सरे ख्वाब कहानी जानी। और नोके खामा पे अभी लोहू नहीं आ पाया, नोके खामा पे अभी लोहू नहीं आ पाया, आज कुछ और अभी सोजे नहानी जानी। नोके खामा पे अभी लोहू नहीं आ पाया, आज कुछ और अभी सोजे निहानी जानी। और ये शेर के एक एक लफ्ज करे दस्त दराजी उस पर, एक एक लफ्ज करे दस्त दराजी उस पर, एक एक शेर पए शोला फशानी जानी। और गालिबन महफिल यजदा में हो सुनवाई मेरी, गालिबन महफिल यजदा में हो सुनवाई मेरी, कौन सुनता है यहाँ मेरी कहानी जानी, कौन सुनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। गालिबन गालिबन महफिल यजदा में हो सुनवाई मेरी, बहुत शुक्रिया। गालिबन महफिल यजदा में हो सुनवाई मेरी, गालिबन महफिल यजदा में हो सुनवाई मेरी, कौन सुनता है यहाँ मेरी कहानी जानी। और कुलजुमे वजद में गिरदाब ने जब घेरा था, कुलजुमे वजद में गिरदाब ने जब घेरा था, कश्तिये जाने पुकारा किया जानी जानी। कुलजुमे वजद में गिरदाब ने जब घेरा था, कश्तिये जाने पुकारा किया जानी जानी। और अब के मैं ताब न ला पाऊंगा इस हिद्दत की, अब के मैं ताब न ला पाऊंगा इस हिद्दत की, आलमे जात में है अब के घरानी जानी, आलमे जात में है अब के घरानी जानी। और ये शेर के, करबला मेरे रगो पै में है जारी अब तक, करबला मेरे रगो पै में है जारी अब तक, सर सरे दार है और सीना सेनानी जानी। करबला करबला मेरे रगो पै में है जारी अब तक, सर सरे दार है और सीना सेनानी जानी। एक नज्म है उसका उनवान है सबब मुसबब, तो वो नज्म देखिएगा। मेरे बाजू के कल सिर्फ बाजू ही थे, मेरी गर्दन के कल सिर्फ गर्दन ही थी, मेरी आँखों में कल गैज उतरा नहीं, मेरे लब कल तलक बस सिले ही रहे, इस ज़बाने फ़कत मदह खानी ही की, तैगे असलाफ दीवार पर टांग कर
میں نے شجرے کے اپنے قصیدے کہے، تیغِ اسلاف دیوار پر ٹانگ کر میں نے شجرے کے اپنے قصیدے کہے، میں نے اپنا لہو آب زمزم کیا، نہیں اس سے کوئی ایک رجز ہی لکھا، اپنے حجرے کو دن رات جنت کیا اور نایاب شیشے مزین کیے، اپنے بستر کو کمخواب و مخمل کیا، اپنی ہر آرزو کو مکمل کیا، اپنی ہر رات میں ایک ڈم روشنی اور حسینہ کو پہلو میں مسئلہ کیا، صبح صادق کو کی میں نے سجدہ گری، اپنی اقدار کے خوب قصے کہے، اپنے اجداد کو خوب سلم پڑھا، اور آخر میں ایک حادثہ ہو گیا ایک دن آگ جب میرے گھر آ گئی، تیغِ اسلاف لٹکی تھی لٹکی رہی، میری آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے، میرے بازو تھے کل تک جو شل ہو گئے، میری گردن میں یک لخت خم آ گیا، ان لبوں پر فقط کپ کپاہٹ ہی تھی اور زباں تھی کہ سائل تھی بس رحم کی، میری جنت سے شعلے لپکنے لگے، میرے شیشے سے آہیں نکلنے لگیں، میرے بستر میں کانٹے ابھرنے لگے اور حسینہ سرے لشکر غیر تھی، ان لبوں پر فقط کپ کپاہٹ تھی اور زباں تھی کہ سائل تھی بس رحم کی، میری جنت سے شعلے لپکنے لگے، میرے شیشے سے آہیں نکلنے لگیں، میرے بستر میں کانٹے ابھرنے لگے اور حسینہ سرے لشکر غیر تھی، صبح صادق تھی سجدے کے اوقات تھے، میرا شجرہ مجھے منہ چڑھانے لگا، نہجِ اجداد کی یاد کھانے لگی، پھر سے شجرے کے قصے سنانے لگا، اپنے بچوں کو ڈھارس بندھاتے ہوئے مرتے مرتے صحیح یا علی کہہ لیا۔